कि नेचुरल चीज़ें जो होती हैं, चीज़ें जो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। मरहबा, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं तो एकदम बढ़िया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिलहाल आप लोग सोच रहे होंगे आज इस ब्लॉग की शुरुआत कुछ नए तरीके से हो रही है, लाइक मैं एकदम सूट वूट पहन के रेडी हो रखी हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आज सुबह सुबह मुझे एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिली मेरी अचीवमेंट से रिलेटेड, एंड आई मीन मेरे लिए वो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। सो लाइक एक एजुकेशन में मैंने फिर से कुछ अचीव कर लिया है, दैट्स अ गुड थिंग। सो थैंक यू फॉर दैट, सबसे पहले थैंक्स फॉर अल्लाह। एंड गाइज आप लोग दुआ करते रहिए, अभी मैं जा रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए, उसके लिए भी आप दुआ करना। बस मेरी पूरी मैं रेडी हूँ, सिर्फ बेलीज लेना बाकी है, तो बाकी का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो इसी तरीके से कुछ आज फोर्थ डे ऑफ रमजान की मेरी शुरुआत हो रही है, चलिए बाद में मिलते हैं आपसे। सो बेसिकली हियर आई एम कम्प्लीटली रेडी एंड दिस इज माई ओवरऑल लुक, सो लेट्स गो गाइज, आई विल टॉक टू यू लेटर, एक्चुअली आई विल मीट यू लेटर। هيقبلوا خير الحين كانت ماني اللي في اللي هن هن to go to how I will go we are going to walk the same floor and this is me so finally my work is done now I am going down Let's go. So let's explore all this area. Basically, today I came to this Araya Tower and day before yesterday. गाइज आपको पता है हमारे यहाँ तो साल में एक ही बार फरवरी आता है, यहाँ पे हमेशा आपको फरवरी ही देखने को मिलेगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी फॉर्म्ड इन अ स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग। सामने जो बिल्डिंग है द नेम इज 26th February एंड वाई 26th बिकॉज यहाँ पे जो यहाँ का नेशनल डे होता है वो 26th February को ही होता है। बगीचा मुझे मिला, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। एंड दिस इज द वन, इसे देख के ना मेरे को शार्क वेल की याद आ जाती है, शार्क बोल रही हूँ मैं गाइज। ये बिल्डिंग आप देखो, इसे देख करके ना मेरे को ब्लू वेल की याद आ जाती है, उसका नीचे का जो लाइक बॉटम पार्ट होता है वो ऐसे ही होता है कुछ इसी डिजाइन का। So I'm just exploring these Araya Tower today. Araya Tower actually, not Araya, it's Araya. आप लोगों को भी लग रहा होगा ना मेरी ज़बान को कितनी लचक लग गई है, मतलब Araya, Araya. I'm speaking like a foreigner.
Okay, so basically I came to this place, Araya Ballroom, and I came back so early. I don't know why. I really like this building. इसका real view ना इतना खूबसूरत है कि फोटो में तो आता भी नहीं है वो अच्छे से उतना like width and length everything is perfect. इट्स लाइक कि अभी ये मेरे ऊपर गिर जाएगी बट इट्स फाइन नहीं गिरेगी वो. एक चीज आपको दिखाती हूँ, सामने देखो मुगल महल. Here is also one of the Mughal Mahal is located. This one. निकल ही रही थी कि मुझे ये लंदन थीम का एक कैफे यहाँ पे नजर आया. इसकी जो थीम है वो लंदन बेस्ड है एक्चुअली, एंड चॉकलेट्स मोर कैफे का नाम है. अब आप लोग सोचेंगे ये तो बंद पड़ा हुआ है, लेकिन बेसिकली ये बंद नहीं है, अंदर लाइक ग्रोसरीज चल रही है, बट ईटिंग पॉइंट एक्चुअली बंद किया हुआ है क्योंकि रमजान में यहाँ पे दिन में कुछ भी खुला नहीं होता. सो या लेट्स गो टू होम. What is this? Algavali. Okay. Blue Egg opening soon. Let's explore a little bit more. उसके बाद तो मेरा फोन ऑफ होने वाला है गाइज. I'm so sorry. मैं इससे ज्यादा अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी. Hello guys, welcome back. So I am free now. Now I am going to my home. Going back to my home actually. कभी कभी ना मैं अपने वर्ड्स को बताती हूँ मुझे बोलना क्या है. यूजली ऐसा होता है, आप लोग समझ सकते हैं, समझदार हैं आप लोग. तो काफ़ी खूबसूरत जगह है, घर जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन वो क्या है ना कि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है उतनी और मेरा दूसरा फ़ोन में लेके नहीं आई, तो अभी घर जाना पड़ेगा. अदरवाइज़ मौसम इतना अच्छा हो रखा है यहाँ का कि आप एसी के रूम से बेहतर है आप यहाँ खड़े हो जाओ, बिकॉज नेचुरल जो हवा चलती है उसमें अलग ही बात होती है. तो आप चल सकते हो एंड उसमें आप ज़्यादा टाइम तक रह सकते हो एक्चुअली, ऐसा मुझे लगता है कि नेचुरल चीज़ें जो होती हैं चीज़ें जो मैं क्या बोलना चाहती हूँ एक्चुअली, मैं बोलना चाहती हूँ नेचुरल चीज़ें जो होती हैं ना वो बड़ी खूबसूरत होती हैं एंड सस्टेनेबल भी होती हैं, तो आप ज़्यादा टाइम तक वहाँ रुक सकते हो. फिलहाल के लिए ये आ गया हमारा बस स्टॉप ये देखिए पीछे, और यहाँ वेट कर लेते हैं थोड़ी देर. सो गाइज, बहुत सारा सर दर्द ले करके और इतना सारा ट्रैफिक झेलने के बाद मैं पहुंची जैसे तैसे अपने घर, और उसके बाद लाइट्स को देख करके मुझे थोड़ा सुकून मिला एंड दैट वाज ऑल. उसके बाद मैंने वही नॉर्मल रूटीन फॉलो किया, मेरा इफ्तार वगैरह किया और उसके बाद मैं सो गई थी, तो उससे ज़्यादा शूट नहीं कर पाई. एंड आज की वीडियो में यही था, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं बाद में. लव यू ऑल.